हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स है फ्राइडे का। फ्रेंड्स, फ्राइडे का मॉर्निंग का टाइम है। फ्रेंड्स, मेरा ज़्यादा क्लीनिंग हो गई है, किचन की क्लीनिंग हो गई थी और ब्रेकफास्ट भी हो गया था मेरा। जो जो हो गया था फ्रेंड्स हो गया था, और अब जो काम बचा है उससे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने, जो कि है ये कपड़े डालते हुए। और मैंने सर धोया था फ्रेंड्स, सर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो वो धो रखा है और मैंने लपेट रखा है ये तौलिया। ये कॉटन की तौलिया है फ्रेंड्स, वैसे तो इसको गमछा बोलते हैं, मैं तौलिया बोल रही हूँ, ठीक है? और समझने में आपको हो गई होगी आसानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब कर देती हूँ, सारे कपड़ों को डाल देती हूँ अच्छे से। और सोफ़े के कवर वगैरह मैंने धोए थे, बहुत दिन हो गए थे तो धो दिए हैं मैंने, से पहले भी धोए थे बट एक बार और धो दिए। जब गंदे गंदे लगते हैं ना फ्रेंड्स, गंदे तो होते ही नहीं बट मुझे जब गंदे लगने लग जाते हैं ना तो मैं धो देती हूँ। और अब आ गई हूँ यहाँ पर मैं पूजा करने। सबसे पहले मैंने कपड़े डाल दिए थे नहाने के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स ना फिर आलस आने लग जाता है वहाँ उस तरफ को जाने में, बालकनी की साइड में। तो बस मैंने कपड़े डाल दिए थे और वो हाथ से ही धोए थे मैंने इतने सारे, क्योंकि मैं जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं वो ना मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। और फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, अपनी कान्हा जी की पूजा। ये देखिए मेरे, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कान्हा जी को उनको स्नान वगैरह मैंने करा दिया है, अपने स्नान गर्म पानी से और हल्के गुनगुने पानी से नहलाती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हम लोग जैसे नहाते हैं वैसे। और ये वाली ड्रेस बनाई है, येलो और ग्रीन कलर की है, तो बहुत ज़्यादा जचती है ये वाली ड्रेस। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कान्हा जी पे हर ड्रेस अच्छी लगती है, जो मैं अपनी पसंद की लाई हूँ, ज़्यादातर मुझे जो अच्छी लगती है वो ले लेती हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा अपनी, दिया जला देती हूँ और कान्हा जी को अपने भोग लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, नहाने के बाद सबसे पहले यही काम रहता है मेरे कान्हा जी की पूजा करने का, क्योंकि फ्रेंड्स कान्हा जी ना, उससे पहले हमें छूना तो होता नहीं है, है ना? तो ये वाला बात हो जाती है। और फिर स्वास्थ्य को भी लेने जा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ और थोड़ा सा ना वो भूल जाती हूँ, कोई ना कोई बात हो जाती है तो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपने स्वास्थ्य को भी लेने जाना है। और स्वास्थ्य के लेने से पहले जो जो काम रहते हैं ना मैं करके जाती हूँ, फिर आने के बाद भी मुझे ना बहुत काम रहते हैं। फिर आता है तो उसके ड्रेस वगैरह तो उतार लेता है, बस वो जो कोट है ना वो नहीं उतार पाता, क्योंकि उसमें बटन ना थोड़े अजीब वो थोड़े बड़े बड़े लगे हैं ना, तो वो नहीं कर पाता स्वास्थ्य। और बाकी तो अपने ड्रेस वगैरह उतार लेता है। फिर मुझे रोटी वगैरह बनानी होती है, आटा वगैरह मैं गूँध लेती हूँ सुबह के समय पर, जब मैं ना सुबह स्वास्थ्य का जो टिफ़िन बना के देती हूँ ना तो तभी मैं गूँध देती हूँ, तो इसकी वजह से मुझे दोबारा का वो नहीं रहता। और अब मैं ना अपने कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ जिस चीज़ का मेरे को करना है। ज़्यादातर मैं फ्रेंड्स दूध का ही लगाती हूँ सुबह के समय पे, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर दूध ही पीते हैं, है ना? तो वही है, कभी कभार मैं फ्रूट वगैरह भी रख देती हूँ। और ये मेरे प्यारे से कान्हा, आप भी दर्शन कर लो, ये देखो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ अपने बालों की साफ़ करने, बालों को साफ़ करने के सुखाने के लिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आते ही माना हमें गली के बाहर एक दुकान दिख गई थी। दुकान क्या जो होती है ना छोले कुलचे की, जो बेचते रहते हैं। तो स्वास्तिक ने वो देख लिया और बोला मुझे वो खाना है छोले कुलचे। और वो ऐसे वो मांगता नहीं है, उसने कभी बोला भी नहीं है खाने के लिए। तो उसने पहली बार बोला तो मैंने चलो ठीक है खा लेना, बट तो फिर उसने बोला हाँ खाऊँगा मुझे मन कर रहा है, तो फिर मैंने उसको दिला दिया था वो खा। और फिर आते माना मैंने उसको दे दिया, क्योंकि ना वो गर्म ही गर्म दिया था उन्होंने, तो वो गर्म ही गर्म अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने उसको मैंने बोला सबसे पहले कुछ मत करो, कपड़े वगैरह उतार दो, क्योंकि ना फिर कपड़े गंदे कर देता है स्वास्थ्य, जैसे कि किसी चीज़ से जैसे सब्जी लग गई या दाल लग गया, कुछ भी खा रहा है जो भी, तो वो कपड़ों में लगा लेता है, तो फिर इसकी वजह से ना फिर वो धोना पड़ता है। और आपको पता ही है कि ठंड का टाइम है, इतनी जल्दी ड्रेस वगैरह सूखती नहीं है। तो मैं घर दिखा रही थी फ्रेंड्स, ये देखो ये हमारा घर है, किस तरीके से मैंने साफ़ सफ़ाई करी थी, और ये कपड़े हाथ से धोए हुए थे, ये ना सूख गए थे, तो ये कमरे में ही रखे हुए हैं। और बिस्तरा मैं फ्रेंड्स इस कमरे में रख देती हूँ तय लगा कर, उस कमरे में नहीं रखती, क्योंकि उस कमरे में ना फिर बैठने में दिक्कत हो जाती है, तो इसकी वजह से मैं इसमें रख देती हूँ। और ये देखो ये पूरा रूम दिखा दिया है मैंने, और साफ़ सफ़ाई तो मैंने पहले ही कर ली थी मॉर्निंग में ही, फिर उसके बाद मेरे को कोई काम नहीं था। ये देखो, हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम को, शाम के क्या रात के 8 बज गए हैं फ्रेंड्स। ये देखो, ये देखो 8 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी पूरे 8 नहीं बजे, क्योंकि अभी 15 मिनट घड़ी आ गई हमारी, अभी 8 बजने में 10 मिनट है बाकी, यानी कि। तो और स्वास्थ्य के देखो अभी सो रहा है, ये देखो ये फ्रेंड ट्यूशन से आया था, जब ही सो गया था आते मान, क्योंकि मैं लेटी हुई थी ना, तो मेरे को मैं कम्बल ना गर्म था तो उसमें घुस गया, और मैं किचन में आई काम करने के लिए। और फ्रेंड्स किचन में आई, मैं आपको दिखाती हूँ किचन में, किचन में सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, और ये दूध का पतीला मैंने अभी निकाला जस्ट, और लगा भी दिए फ्रेंड्स क्योंकि सूख गए थे। और ये देखो मेरी चाय बन रही है, तो उसको बंद कर देती हूँ, नहीं तो ना जल जाएगी मेरी चाय। तो फ्रेंड्स मैं ना ये बोल रही थी कि स्वास्तिक आया, उसमें घुस गया बिस्तरे में, और इसकी वो निन्नी आ गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा सो लेगा तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि सुबह ही से जगे हुए थे, और मैं घर पे ही बहुत लेट आई, 4 बजने में 15 मिनट थे तब आई थी। आज मैंने इसकी बालों की कटिंग भी करवाई है। और फ्रेंड्स ये देखो मैंने आज यहाँ पर क्या किया, ये देखो यहाँ पर मैंने इस एरिए पे ना ये बिछा दिया है, ताकि ना जैसे कि बैठने में उठने में यहाँ पर भी बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ पर इतनी जगह निकल रही है, जैसे बाकी तो ये आ गया, और जैसे यहाँ पर जैसे ये थोड़ी सी गैप रहती है ना, तो यहाँ पर जगह नहीं हो पाती, पैर रखते हैं ना तो वो हो जाता है। और मैंने अभी बस अभी थोड़ी देर हुई है, ये देखो मैंने अपनी कान्हा जी की पूजा कर ली है, ये रहे मेरे प्यारे कान्हा जी, और खुशबू खुशबू हो रहा है पूरा घर, तो ना बाल तो बिखरे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखो पूरे जो सुबह कंघी कर रखी थी ना वही हैं। बस अब मैं चाय पीने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आज बनाऊँगी फ्रेंड्स मैं मटर आलू की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, बस और कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थक रहा था शरीर मेरा भी। चाय निकाल लेती हूँ सबसे पहले तो, और नमकीन साथ में निकाली मैंने, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ खाने का मन करता है सर्दी में, है ना, कुछ कुछ ना कुछ खाते रहो। ये देखो तो ये लो आप भी पी लो चाय गर्मा गर्म, और साथ में है ये नमकीन। तो मैं खा लेती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किचन वर्क क्या जो भी है जो भी शेयर करूँगी, देख लेना आप वीडियो में, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं कर लेती हूँ अपनी शाम की जो तैयारी होती है वो कर रही हूँ। और स्वास्तिक मेरे से बिस्किट मांग रहा था तो मैं इसको बिस्किट दे देती हूँ। फ्रेंड्स ये जो क्रीम वाले होते हैं ना, जो चॉकलेट वाले क्रीम वाले होते हैं, वो वाले हैं बिस्किट, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना पूरा फैमिली पैक ला के रखती हूँ फ्रेंड्स, और ला के मांगा नहीं था फ्रेंड्स, देखो मैंने उसके लिए मैंने उसे बोल के गई थी कि आपको तुम्हें क्या कुछ खाने का मन है, तो बोला था मुझे जैसे बच्चे नींद में बोल देते ना, तो उसने बोल दिया था, फिर मैं बिस्किट ले आई थी, उसको मैं प्यार से उठा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से उठाती हूँ मैं ज़्यादातर, और वो उठ जाता है,
जैसे बच्चे की आदत हो जाती है ना, और शुरू से ही उसे इसके पापा ने भी इसको प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार से हम लोग रखते हैं। जैसे प्यार से तो सारे रखते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि सारे भैया वो नहीं करते प्यार अपने बच्चों से, सभी सारे प्यार करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है सब बच्चों का। जैसे एक बार में कई बच्चे उठ जाते हैं और हम लोग जैसे इस तरीके से उठाते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे किसी से भी लेना देना नहीं है ना फ्रेंड्स, क्योंकि सबकी फैमिली है, सब अलग अलग तरीके से रहते हैं ना। जैसे मैं रहती हूँ, मेरी तरह कोई और नहीं रहता और मैं किसी और की तरह नहीं कर सकती, सब सीधी बात ये है। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी बन गई है मेरी, और मैं अब आटा गूंद लेती हूँ। इधर पे फ्रेंड्स चाय वगैरह रखी हुई है मेरे हस्बैंड के, और उसको मेरे हस्बैंड नहीं आए थे जब तक के लिए, मैंने अपना दूध चढ़ा दिया है और सब्जी मेरी बन गई है और चाय मैंने पी ली थी फ्रेंड्स, और जो थोड़ी सी रखी थी मैंने सोचा इसी में ही मैं ना थोड़ी सी और करके बना लूँगी चाय। तो इसी तरीके से ही काम होते हैं मेरे ज़्यादातर, तो आपको सभी को पता ही है। और स्वास्थ्य कोई बात कर रहा था, नहीं नहीं शायद से मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो आते मान तो चाय कोई नहीं पीता है ना, थोड़ा बाथरूम तुम जाते हैं पानी पीते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई देखते ही मन चाय दे दो है ना। तो वही बातें कर रहे थे और मैं बात करते करते अपना आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा गूंद के थोड़ा सी देर रख दूँगी ताकि अच्छे से ये जो मेरा आटा है वो रेस्ट कर सके। आटा इस तरीके से करते हैं ना फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आटा गूंदते हैं ना तो रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, नरम नरम और फूली फूलीदार बनती हैं। तो इसको मैं, ये देखिए आटा हो गया मेरा और इधर पे मेरा दूध भी हो गया था। ये देखिए मैं तो मैंने ना वही मेरी जग भी खोल दिया था और मेरे हाथ साफ़ ही थे, मैंने हाथ धो के ही आटा गूंदने स्टार्ट लगी थी। तो उसके से मैंने मेयर जग में क्या पानी के छींटे के लिए मैंने कर दिया, क्योंकि ना गिरने वाला था बिल्कुल ही, कभी कभार ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स है ना। तो ये देखिए मैंने बस हो गया मेरा आटा गूंद लिया, ये देखिए, और मैं अब बनाऊँगी रोटियाँ। तो बस रोटियाँ बना ली हैं मैंने, जो स्लिप है पूरा साफ़ कर दिया था, स्लिप साफ़ करने के बाद ही बनाती हूँ, और उसके बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं ना मार्केट गई थी, क्योंकि पहले थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि थोड़े से ना सर्दी के जो विंटर कलेक्शन होता है, यानी कि जो विंटर के कपड़े होते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं, वो ना जैसे सबके किसी के पास ना, जैसे कहीं आने जाने वाले ना घर में तो पहन लेते हैं। और जो अभी मैंने ये स्वेटर पहन रखा है, ये फ्रेंड्स 3 से 4 साल पुराना है ये स्वेटर, और ये पहनती हूँ मैं घर के अंदर ही पहनती हूँ, जैसे कि पुराना हो गया है, नया था तो और ज़्यादा अच्छा लगता था, अपनी पसंद का ही लिया था जब मैंने लिया था, और इसी तरीके से मुझे पसंद है ज़्यादातर बटन वाले, ताकि ये खुलने में आसानी रहे। और जो ऊपर से पहनते हैं ना वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, सब वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। जैसे सूट वगैरह तो पहन लेते हैं तो पहना ही रहता है वो, लेकिन स्वेटर ना अच्छे नहीं लगते मुझे इस तरीके से पहनने वाले, पहले पहनती थी बट अब नहीं पहनती। और ये देखो चाय वगैरह हो गई है, मैंने दे दिया निकाल दी चाय अपने हस्बैंड की, तो वो आ गए थे बाथरूम से, तो मैंने इधर रख दी थी। मैं स्वास्थ्य को बुला रही थी, क्योंकि ना रोटियां इधर से जैसे निकल जाओ ना, जैसे चाय रख कर बट ना जलने लग जाते। मैं स्वास्थ्य को बोल रही थी इधर आ जाओ चाय दे दो पापा को, पर उसने भी नहीं सुना। तो जैसे ही फ्रेंड थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे ही मैं जाके चाय दे दूँगी। और ये देखिए ये है मेरी सब्जी, ये मैंने बनाई थी फ्रेंड्स, ये मैंने पहले ही बना ली थी, आलू और मटर की सब्जी ही देखिए। तो फ्रेंड बनाई तो मैंने कुकर में थी, और इसमें मैंने कढ़ाई में निकाल ली थी, इसमें नहीं बनाती मैं कढ़ाई में ऐसी सब्जी। और ये देखिए तो फ्रेंड्स वो करने के बाद हम मार्केट गए थे, वो फ्रेंड्स 9 बजे का क्लिप है, 9 बजे से पहले का ही है, 9:30 बजे हम लोग निकल गए थे फ्रेंड्स। ये देखो तो फ्रेंड्स मार्केट देखो आधी से ज़्यादा बंद हो रही हैं दुकानें, और काफ़ी बंद हो चुकी हैं, क्योंकि ठंड का टाइम आ गया है ना, तो ज़्यादातर लोग मार्केट नहीं करते हैं इस समय पे, और गर्मी में 11 बजे तक 12 बजे तक ना वो खुली रहती है मार्केट। तो हम जा रहे हैं दुकान पे, देखते हैं, हमने मेरे हस्बैंड ने बोला था कि अगर मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, घूम के आ जाएंगे थोड़ा सा। तो मेरा मन नहीं खा रहा था बट क्या करें, बस आ गए। ये देखिए ये स्वास्थ्य के रहा, तो देखो फ्रेंड स्वास्थ्य के लिए जैकेट आई है, ये देखो अंदर से, ये देखो ये वो कपड़ा है, और ऊपर से कैप भी है, ये देखो, और ये फ्रेंड्स एडिडास की है, ये देखो स्वास्तिक लगा के दिखाएगा किस तरीके से लग रही है। तो आज सभी ने कपड़े ले लिए, नहीं है विंटर कलेक्शन लाया है हमारे घर में आज। स्वास्तिक पीछे से दिखाऊं, ये देखो फ्रेंड्स पीछे से देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है।
ये देखो ये नई जैकेट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही मस्त है। कैप लगा के दिखाओ फ्रेंड, मेरी भी बन गई अब, और आप मेरी भी दे दो फ्रेंड्स। ठंड में बिल्कुल ठंड का अंदाज कर लिया है। और स्वास्तिक अपना एक वो भी लाया खिलौना, वो भी दिखाओ स्वास्तिक खिलौना। काफी दिन से बोल रहा था, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। फ्रेंड ये देखो, और एक और दिखाता हूँ मैं आपको। वही स्वास्तिक लेकर आया अपने लिए लीडो खेलने के लिए, टू इन वन गेम है, इसमें लीडो है और सांप सीढ़ी है। हाँ, ये देखो फ्रेंड, इतनी सारी शॉपिंग करी है। ये है, ये वाला थैला भी, ये मेरे हैं, ये दो बैग मेरे हस्बैंड के थे और एक स्वास्तिक का था। ये देखो ये दूसरी वाली जैकेट है। दोस्तों बताना कि दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है आपको कमेंट में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये, हर स्माल मार्केट से खरीदा है हमने उत्तम नगर से। फ्रेंड्स अभी हम आ रहे हैं, ये देखो कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं और अभी भी मार्केट यहाँ पर खुली हुई है, दुकानें खुली हुई हैं, वैसे तो बंद हो गई है। बहुत अच्छी लग रही है ये, ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, उससे ज्यादा कलर वाले अच्छे लगते हैं मुझे कपड़े। मम्मी मैं फाल लग जा रही हूं। हां मैं फाल लूं, ठीक है। ये मम्मी जी चाहिए क्या? चली ये दे दो फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, ये तो ऐसी है, ये खिलौने हैं मतलब इसके, वो और ये दे दो, ये लूडो है। नीचे करके दिखाओ, ये देखो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स देखो ये लूडो है इतना बड़ा। पहले छोटे वाले ले रहे थे हम, ये ऐसे दिख रहा था, वो इस तरीके से ये है ना, छोटा छोटा ऐसे दिख रहा था, लेकिन अब हमने ऐसा लिया है तो इसमें दो ही टू इन वन है ना। हाँ, वो कहाँ सब फिट वाला कहाँ सब सीधी, ये देखो मुझे बाहर, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अंदर से इस तरीके से है ताकि ये गर्म रहे, बॉडी गर्म रखे। और मैं दिखा रही हूँ पहन के, बंद हो जाएगा और ये लग जाएगा। ओ पांच पांच है इस चीज़ में, और इसमें कैप भी है देखो। ये देखो कैसे लग रही है, आप मुझे बताना फ्रेंड्स किस तरीके से लगा, सबके सबसे ज्यादा किसके अच्छे लगे। जैसे दो दो लिया है हम लोगों ने, और स्वास्तिक के तो लेते रहते हैं तो उसकी कमी नहीं है, वो जब जाता है उसका सबसे पहले उसी के लिए लिया जाता है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने साड़ी के लिए लिया है, और सूट उट पे वैसे तो हर चीज अच्छा लगे, साड़ी पे ज्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे, इसकी वो है। ये देखो कितनी अच्छी है फ्रेंड्स, बटन ही पिन है ये, और ये है इस तरीके से पहनते हैं इसको। इस तरीके से देखो पिन लगा के देखो, पहन के रखना ये तो। ऐसी लगेगी ना, और थोड़ा सा दबा के चढ़ा के ऐसे, सही लग रहा है, एक्सलेंट। तो आपको फ्रेंड्स कौन सा? तो देखिए फ्रेंड्स, दो मेरे हस्बैंड ने ली थी, एक क्रीमी कलर की ली थी और दूसरी ली थी मेहरून कलर में लिया था और एक ग्रीन कलर में, दोनों ने लिए थे। दो मैंने लिया था, एक जैकेट लिया था तो फ्रेंड्स वो भी गर्म वाली जैकेट है, जैसे बाइक वगैरह पे कहीं जाते हैं स्कूटी पे तो वैसे लिया था। वैसे तो मैं जल्दी जाती ही नहीं हूँ, आपको पता ही है, और बट्स ले लिया है ताकि जैसे कि कहीं जा रहे हैं तो होना चाहिए है ना। और ये देखिए बहुत दिन से ना मैं इस चीज़ को टाल रही थी, मेरे हस्बैंड ने एक दिन से बोले कि चलो चलते हैं लेके आते हैं, और टाइम देखो जब लग जाता है ना जब चलो, और लेकिन जल्दबाजी में शॉपिंग करना मुझे पसंद नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये दोनों मैंने जैकेट ली थी, और आपको कौन सी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।